हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड टुडे स्टार्ट आवर मैथमेटिक्स क्लास। सो मैथमेटिक्स क्लास में आज हम करेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर टू एडिशन। ओके, और पेज नंबर 26, 27, 29 टू 35। प्लीज ओपन योर मैथ बुक। ओके, सो हेयर द पेज नंबर 26 यू कैन सी चैप्टर असेसमेंट। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तो मैं फिर भी कुछ कुछ डेमो दिखा रही हूँ। देखो, द प्रेडिसेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। सो सिक्स डिजिट नंबर क्या होगा? सिक्स नाइन, है ना? सिक्स नाइन होता है। तो प्रेडिसेसर मतलब वन माइनस, यहाँ से वन माइनस कर दो तो क्या होगा? एट, उसके बाद नाइन 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 नाइन, ये होगा ना। तो यहाँ पे कौन सा है, कैसा है? ये वाला, तो दैट इज़ द राइट नंबर। हो गया, तो वैसे ही करके आपको करना है। ओके, तो जो भी है आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आप लोग कर सकते हो खुद से, ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा। ओके, दिस कॉन टू बी योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर 27 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट इज चैप्टर टू पेज नंबर 29 एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रंजना वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स। शी बॉट 125 मैंगोस, 241 बनानास, 100 एप्पल्स एंड 85 पपायास फॉर अ स्मॉल गेट टुगेदर ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स बर्थडे पार्टी। सो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी मैंगोस एंड बनानास डिड रंजना बाय ऑल टुगेदर। मैंगोस कितना था? 125 एंड बनानास कितना है? 241। सो हम इसको प्लस करेंगे, सो 125 एंड 241 प्लस करते तो कितना होता है, 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। 2 प्लस 4 कितना होता है? 6 एंड 2 प्लस 1 होता है 3। सो द नंबर इज 366। हो गया, हाउ मेनी फ्रूट्स डिड रंजना बाय एट ऑल। उसने कितना फ्रूट्स खरीदा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 125 उसके बाद 241 उसके बाद 100 उसके बाद 85 ऑल टुगेदर प्लस करना है, जो होगा वो लिखना है। ओके, तो जो होगा आप लोग लिखोगे प्लस करके। रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट वन बनाना टू ईच चाइल्ड इन द ऑर्फेनेज। शी नीड्स 39 मोर बनानास फॉर द पर्पस।
So how many children are there in orphanage? Okay. So यहाँ पे क्या करना है, देखो बनानास कितने हैं, 241, और कितने लगेंगे 39. सो क्या होगा, 241 के साथ आप 39 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, जो होगा वही आंसर होगा. ओके, तो इसे कहते हैं एडिशन, मतलब जोड़ना. ओके, तो यहाँ पे आपको करना है ये सब. देखो अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, ऐड करना है. 5 + 3, 5 के बाद 3 हमें गिनना है, 5 के बाद 6, 7 एंड 8. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा. उसके बाद क्या है, 2 + 4, है ना, 2 + 4 क्या होता है, 4 के बाद से 2 तक गिनना है, 4 के बाद क्या होगा, 5, 6, सो 6. उसके बाद क्या है, 4. अच्छा हम ऐसे भी कर सकते, देखो 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद क्या है, प्लस 1, तो 1 कितना हुआ, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, उसके बाद क्या है, 3 + 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3, उसके बाद कितना प्लस करना है, 1 प्लस करना है, सो 1 2 3 4 हो गया, 4 5 6 8. ओके, ऐसे करके भी कर सकते हो, गिन के भी कर सकते हो. आई होप यू ऑल, मतलब गिनना आप सभी को आता है तो आप लोग ये कर पाओगे. 7 + 1 = 8, यहाँ पे क्या है, 5 एंड 0 क्या होगा, 5. 5 + 1 कितना होता है, 6, एंड 3 + 4 कितना होता है, 7. ओके, सो ऐसे ही आपको करते जाना है. जोड़ते हुए जाना है आपको. नेक्स्ट इज ऑल्सो इज द एडिशन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरी वाला एडिशन है. 9 + 4 अगर हम गिनते हैं तो कितना होता है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13. 13 होता है तो 13 के 3 होगा, यहाँ पे कैरी 1. 5 के साथ ये वाला, 5 के साथ 1 प्लस हो जाता है तो क्या होता है, 5 + 1 = 6. 6 के बाद से हम 7 तक गिनेंगे, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, 13 होता है तो फिर भी 13 का 3 और कैरी 1 रह जाता है. ओके, उसके बाद फिर से ये 1 इस 3 के साथ प्लस होगा तो 3 + 1 = 4 + 1 = 5. तो यहाँ पे कुछ कैरी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 2 = 4 के बाद 5, उसके बाद 6, तो क्या होता है, 6. तो ये सब क्या है, कैरी वाला है. उसके बाद ये वाला देखो, 6 + 3 कितना होता है, 6 के बाद 7 8 9. ओके, तो 9 होगा यहाँ पे. उसके बाद देखो 4 से 7 तक, सो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो रहा है तो 11 का क्या होगा, 11 का 1 होगा और ये 1 कैरी होगा. सो ये 1 इस 1 के साथ प्लस होगा, सो 1 + 1 कितना होता है, 2, एंड 2 + 1 कितना होता है, 3. उसके बाद 5 के पास 3 6 7 एंड 8. ओके, हो गया ये कैरी वाला. तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कैसे आप लोग कैरी करोगे, जो भी कैरी रहेगा उसके साथ बात का जो नंबर है, डिजिट है, उसको जोड़ना है. अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज पे जो है मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो. अच्छा, जो भी बाकी का रहेगा, रह जाएगा ना, बाकी का जो भी रहेगा वो आपको होमवर्क करना है. बाकी आपको, बाकी का जो भी है आपको होमवर्क करना है, बाकी जो भी रहेगा आपको होमवर्क में करना है. अच्छा, यहाँ पे देखो ये भी शायद कैरी वाले हैं. मैं ई का दिखा रही हूँ, देखो 7 + 4 कितना होता है, 7 + 4 = 8 9 10 11, सो 11 का 1 होगा और फिर से कैरी 1, फिर ये 1 यहाँ से प्लस होता है तो 5 + 1 = 6 एंड 6 + 6
छः छः 12 होता है 12, एंड 12 का 2 एंड 1 फिर से 1 फिर से कैरी होगा, तो इस 1 के साथ ये 1 प्लस होता है तो कितना होता है 1 प्लस 1 2, एंड 2 के साथ अगर हम 8 प्लस करते हैं तो कितना आता है 8 के बाद 9 10, सो 10, 10 का 0 फिर से 1 कैरी, उसके बाद 3 के साथ इसको प्लस करना है तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 9021। ओके मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देखो नॉर्मल प्लस तो आप कर ही सकते हो तो वो है, पर कैरी वाला देखो यहाँ पे एफ का 6 प्लस 7 13, 13 के 3 एंड कैरी 1, फिर ये 1 यहाँ पे इसके साथ प्लस हो जा रहा है सो 14 हो रहा है, फिर से 1 कैरी होता है 5 प्लस 1 6, 6 के साथ 4 अगर हम प्लस करते तो 10 आता है, फिर से कैरी 1, उसके बाद 2 प्लस 3, 3 के साथ अगर हम 6 जोड़े तो 9 होता है। ओके सो 9043 आप देख लो, देख के स्क्रीनशॉट ले लो कैसे मैंने किया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यू ऑल टेक अ स्क्रीन शॉट। तो ये आपको करना है, ओके ये जो प्लस एडिशन आपका है तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, बाकी का जो भी है आपको होमवर्क में करना है। ओके एडिशंस आपको करने हैं। सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग।